हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। बहुत 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 स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल में। बच्चों, अब से करीब एक डेढ़ घंटा पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसी कुछ पॉजिटिव चीज़ें खबर निकल करके आ रही हैं कि जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि CBSE क्लास 10th 12th के जो बच्चे हैं कंपार्ट जिनका आया है उनको जनरल प्रमोशन दे सकता है, ठीक है, या फिर वो उनको ग्रेस मार्क्स दे करके भी पास कर सकता है। बिकॉज इस जो अभी जो करंट सिनेरियो है ये इस बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जिसमें कि CBSE जो अपने एग्ज़ाम्स है उसको वो कंडक्ट करा सके, ठीक है। ये किसी भी हाथ में पॉसिबल नहीं है। अगर कल का ही अगर हम लें तो 57,000 समथिंग कोविड के केसेस आए हैं, ठीक है। तो अभी नॉर्मल कंडीशंस नहीं है जिसमें कि ये एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट कराना पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम दूसरे एग्ज़ाम्स को भी देखें जो बड़े लेवल पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आप ले सकते हो नीट, जी आप ले सकते हो, जैसे कल पोस्टपोन हुआ है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो भी पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। तो मतलब एग्ज़ाम्स के वो लोग डेट रख रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम्स जितने भी एक एक करके आ रहे हैं वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जी और नीट पे भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है उनके एग्ज़ाम्स सितंबर में होने पर। ऐसा स्टूडेंट्स के तरफ से, पेरेंट्स के तरफ से ऐसा डिमांड आना शुरू हो गया है कि ये एग्ज़ाम्स को सीधा दिसंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो इसमें संभव नहीं है किसी भी तरह का पोस्टपोनमेंट होना क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है, ठीक है। तो हम अभी आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे देंगे, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे हमें बात करना है, ठीक है, जो आप ही की तरफ से सवाल आया और हमने सोचा कि आपको इसका जवाब हम तुरंत दे दें, ठीक है। तो आगे बढ़ें इससे पहले, अगर आप में से कोई भी पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी लाइव सेशंस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपसे मिस नहीं हो। तो गाइज, जो अभी हम बात कर रहे थे चलिए उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको। CBSE के पास ऑप्शंस बहुत कम रह जा रहे हैं। जनरल प्रमोशन की बात इसलिए उठी बिकॉज अगर सिर्फ ग्रेस मार्क्स देती है CBSE, हालांकि क्या फाइनल डिसीजन होगा अभी कोई नहीं जानता, लेकिन अगर सिर्फ जनरल ग्रेस मार्क्स देती है CBSE अपने क्लास 10 12 के कंपार्ट वाले स्टूडेंट्स को, तो ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे ज़्यादा नंबर से जिनका कंपार्ट आया है उनको ग्रेस मार्क्स का फ़ायदा ना मिले और फिर CBSE को उनके लिए कंपार्ट वाले एग्ज़ाम की फिर व्यवस्था करनी ही पड़े, तो जो कि पॉसिबल तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। और अगर ज़्यादा डिले होता है तो उन बच्चों का साल बर्बाद हो जाएगा और CBSE किसी हालत में ये नहीं चाहेगी कि बच्चों का साल बर्बाद हो, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ निकलता हुआ आ रहा है कि शायद जनरल प्रमोशन या कुछ और नए आइडियाज़ के CBSE अगर साथ में आती है तो देखा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़, एक सवाल जो बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा, लाइव सेशन में भी पूछा अब से कुछ देर पहले, तो हमने सोचा कि उस पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। काफ़ी बच्चों ने हमें सवाल किया कि सर कई स्कूलों में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 स्कूलों के प्रिंसिपल से बात किया और इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन किया उनसे, ठीक है। ये सच है कि कई स्कूलों में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहा जाए तो कुछ स्कूलों में, कई स्कूलों में कंपार्टमेंट के फॉर्म्स स्टूडेंट से भरवाए जा रहे हैं, ये सच है, ठीक है। अब इसका आगे का सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, आप में से बहुत सारे जो बच्चों ने पूछा, आई थिंक पीयूष ने पूछा था और एक दो बच्चों ने पूछा था, ठीक है। कुछ मैसेजेस भी मैंने चेक किया, इस पर क्वेरीज हैं, यूट्यूब में भी काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल सबसे बात किया, इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश किया, तो स्कूल के प्रिंसिपल्स का कहना, लगभग तीनों स्कूल के प्रिंसिपल का जो जवाब था वो सिमिलर था। उनका कहना था कि हालांकि अभी तक CBSE की तरफ से कोई भी ऐसा फॉर्म का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, ये बात तो सब जानते हैं, ये बिल्कुल सच है, लेकिन क्योंकि एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर में कंपार्टमेंट एग्जाम्स लिया जाता है तो इस वजह से स्कूल्स, क्योंकि जो बड़े स्कूल्स हैं, ठीक है, जितने भी बड़े स्कूल्स हैं या जो भी स्कूल्स हैं, अगर उनको कंपार्टमेंट एग्जाम्स अचानक से अगर ऐसा कोई डेट निकलता, स्कूल, देखो आप लोग को समझना होगा कि स्कूल्स अपने ढंग से सोच रहा है, ठीक है, आप लोग इस बात को पूरा क्लियर करो, ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन से समझा रहा हूँ। स्कूल अपने ढंग से सोच रहा है, स्कूल के प्रिंसिपल सोच रहे हैं, वो भी दुविधा में है,
उनको भी कन्फ्यूजन है, उनको भी क्लियर नहीं है कि अभी क्या होने वाला है, वो भी वेट कर रहे हैं कि सीबीएसई कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कोई नोटिफिकेशन डाले, ठीक है। लेकिन मीनवाइल जैसे कहा जाता है ना कि दुनिया रुकती नहीं है, ठीक है, काम करना ही पड़ता है, तो उसी तरह से स्कूल्स जो अपने पार्ट का जो काम है वो उसे कहीं ना कहीं वो उसे कंप्लीट कर देना चाहते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि सीबीएसई अचानक से एक डेडलाइन देता, जैसा कि प्रिंसिपल्स ने मुझे जवाब दिया, ठीक है, कि सीबीएसई अचानक से एक डेडलाइन दे दे कि भाई चलिए आपको इतना तारीख तक फॉर्म भरना है, और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो फॉर्म का भरने का समय कम मिला, बच्चों को स्कूल्स ने इन्फॉर्म किया, मान लीजिए उस पीरियड में बच्चा कहीं, कुछ बच्चे कहीं और हैं या वो अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस समय, तो हो सकता है उनका साल बर्बाद हो जाए। तो इस वजह से स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि वो अपने हिस्से का काम एक तरह से कंप्लीट करके रख लेना चाह रहे हैं। इसीलिए कुछ स्कूलों ने ऐसा कहा है अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को, जिनका भी कंपार्ट आया है, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो, कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है। रेस्ट ये हम सभी को पता है कि स्कूल्स सीबीएसई से ऊपर नहीं है, कोई भी स्कूल, कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो, ठीक है। तो आप अगर एक फॉर्म भर भी रहे हो या किसी स्कूल में फॉर्म भराया भी जा रहा है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अगर आपके स्कूल में हैं तो आप जाके भर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि वो भी आपसे पैसा जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो पैसा वाला चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, पैसा चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, तो कोई भी पैसा अभी आप मत भरो। वैसे भी वो जो पैसा भरना होगा वो तो आपको ऑनलाइन भरना होगा, बाई चांस अगर भरना है तो फॉर्म अगर फिलअप हो रहा है तो वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, और चिंता करने की भी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी, जैसा मैंने कहा, कोई भी स्कूल जो है वो सीबीएसई से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से या सरकार से बड़ी नहीं है, तो अगर सीबीएसई एग्जाम्स कैंसिल कर देता है, जनरल प्रमोशन कर देता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी बच्चों जो डरे हुए थे, जो परेशान थे, उसको देखते हुए मैंने सोचा कि इसको ये मैं पूरी चीज़ को क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे हैं, उनसे भी बाहर बहुत सारे बच्चे हों जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हों, वो इधर उधर भटक रहे हैं। और अभी हम सभी को पता है कि यूट्यूब हो या कहीं पर भी बहुत सारे फेक वीडियोज़ बन रहे हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। खुद हमें भी सेफ गार्ड में रहना पड़ता है, ठीक है। हम खुद इन्फॉर्मेशन को छान छान के लाने की कोशिश करते हैं कि जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो हम आपके पास ना पहुँचें। आपको पता है सैटरडे संडे मैंने कोई वीडियोज़ नहीं अपलोड किया, एक भी नहीं, सिंगल भी नहीं। बहुत सारे बच्चों के मेल आए थे, मैसेज आए थे, और उस वक्त मैंने कहा था कि सारे लोगों का एक भरोसा है हमारे चैनल पर, ठीक है। बच्चे एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं हमारे चैनल के बारे में, कितने बच्चों ने मुझे ये बताया है, कितने पेरेंट्स का मेल आता है मेरे पास में, कितने पेरेंट्स का, तमिलनाडु से है, बैंगलोर से है, काफ़ी जगह से है, जो बच्चे खुद पेरेंट्स बात करते हैं कि सर आपसे इन्फॉर्मेशन लेने में सुविधा रहता है। इवन मैं आपको बता दूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ कि बोर्ड जो अभी सिस्टम जो चेंज हुआ उसके लिए कितने कॉल्स आते हैं कि सर आप इसमें थोड़ा सा चीज़ बताइए, ठीक है, जो कि क्योंकि बहुत बड़ा एक रूल्स चेंज हुआ तो उसको थोड़ा सा स्टडी हमें भी करना पड़ेगा। जब तक पूरा स्टडी ना करें तो सिर्फ खड़े होकर के बोल देने से नहीं होता है, क्योंकि हमारे बोलने से बहुत लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, तो वो फेथ को बरकरार रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो। जहाँ तक फॉर्म भरने की सवाल है बच्चों, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप इससे परेशान मत हो कि कुछ स्कूलों में फॉर्म भरा रहे हैं। मैंने अभी आपको एश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका फॉर्म भराता है तो आप भर सकते हो। लेकिन फॉर्म भराने का मतलब, भरवाने का मतलब, स्कूल्स आपको बुला रही है, फॉर्म भरवा रही है, उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे ही, ठीक है। तो फॉर्म भरने में कोई इशू नहीं है, आप यूँ समझ लो कि आप एक फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो फॉर्म भर दो। बात बाकी आप सभी को पता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है, हम सभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी पल वो खुशखबरी का न्यूज़ आ सकता है, और ऐसा पॉजिटिव है, ठीक है। बच्चे बार बार पूछते हैं सर आप बताइए क्या होगा। देखो ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जानता है, सीबीएसई जानता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जानता है कि फाइनल क्या होने वाला है। लेकिन एक जनरल असम्पशन, जो जितने भी लीगल एक्सपर्ट से आप बात कर लो, बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल से बात कर लो, खुद मैं एक सीनियर टीचर हूँ, ठीक है, तो हम लोग जो देखते हैं, जो एज्यूम करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को जो बताते हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। कल अभी क्लैट का ही हमने एक वीडियो अपलोड किया, और वीडियो अपलोड करते करते ही जैसा हमने कहा था कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, कुछ ही देर में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। हमने फुल एश्योर किया था, मुझे नहीं लगता है कि कल उस वक्त कोई वीडियो मौजूद था जिसने कहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन हमने कहा था, डाला, और कुछ देर के बाद में ये खबर हो चुकी थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश करते हैं बच्चों, आप लोग इस चीज़ पे ये करो। अब ये अलग बात है कि कभी कभी कुछ लोगों को वो बातें पसंद नहीं आती हैं, ये शायद संभव भी नहीं है,
ठीक है, हर किसी को खुश करना, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन में बने हुए रहो, प्रिपरेशन करने से कोई लॉस नहीं है, तो आप प्रिपरेशन करते रहो। अगर एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए तो भी वो पढ़ाई हमारे काम आएगा, अगर एग्ज़ाम्स बाई चांस हो गए जो कि होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है तो वो काम आ जाएगा, तो नथिंग टू वरी। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हो आपको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था कंपार्टमेंट फॉर्म भरे जाने का पूरा सच, उम्मीद है आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन्स, लेक्चर्स, लाइव सेशंस, लाइव वीडियोज़ आपसे मिस नहीं हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।